जो साइबर लाइब्रेरी है सच में बहुत ही गजब का लाइब्रेरी है और बहुत ही मज़ा आ गया। मतलब उस लाइब्रेरी के अंदर घुसा तो मतलब आपको मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप जाएंगे एकदम मज़ा आ गया, एकदम मज़ा आ गया नहीं सकते। और कई पापी मरे होंगे तो ये पैदा हुए होंगे यार मोटिवेटेड होने की, यहाँ पे आप घुसेंगे तो चार दिन मोटिवेट हो जाएंगे। अभी देखिए ऊपर लेकर जा रहा है हमको, हम कहाँ जाते हैं अभी? साइबर लाइब्रेरी स्टडी सेंटर। मत लाइब्रेरी में म्यूट कर देना। अच्छा भाई बोतल चाहिए तुमको? दोस्तों तो अब मैं आ गया हूँ साइबर लाइब्रेरी में। जैसा कि आप देख सकते हैं हर जगह हर तरफ पूरी साइबर लाइब्रेरी में स्टूडेंट बैठ करके यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की। तो इस प्रकार से बीएचयू है भाई, इसलिए बीएचयू अलग है। आप देख रहे होंगे हर एक चेयर पे हर एक बच्चा किस प्रकार से बैठ के लगातार पढ़ रहा है। और इसी प्रकार से मेरा मित्र भी है जो कि अभी यूपी बीएड में, उसका यूपी स्टेट में 153 रैंक आया था जनरल कैटेगरी में, तो एक बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि आप देख सकते हैं इन सभी भाइयों का किस प्रकार से ये पढ़ रहे हैं, ये देखिए मैथ्स का क्वेश्चन लगा रहे हैं, ये जो है कि लल्लन टॉप पे वीडियो देख रहे हैं, और ये देखिए भाई कुछ लोग तो एकदम गहन स्टडी कर रहे हैं, कुछ भाई लोग बैठ के एयरफोन लगा कर कुछ वीडियोज़ देख रहे हैं। तो इस प्रकार से पूरा साइबर लाइब्रेरी का आज मैं घूम करके एक वीडियो बनाया और आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। और जैसा कि देख सकते हैं मैं किस प्रकार से एंजॉय कर रहा हूं पूरे इस लाइब्रेरी में, देख रहे हैं। अभी तो ये फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे है, अभी मैं ऊपर भी जाऊंगा और ऊपर का भी आपको नज़ारा दिखाऊँगा। इसमें इंसान आ गए खुद ही अपने आप पढ़ना स्टार्ट कर देगा और पढ़े इंशाल्लाह। जैसा कि अब मैं ऊपर आ चुका हूं और जैसा कि आप देख सकते हैं ये सेकंड फ्लोर है, और सेकंड फ्लोर पे भी बच्चे कुछ इसी प्रकार से बैठ करके स्टडी करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहां भी भाई लोग अपना बैग टांग टांग कर और लगातार यहां पर जितनी भी चेयर्स है उन चेयरों पर भाई लोग बैठ करके अपने एग्ज़ाम्स के जो प्रिपरेशन है, जैसे कि मेरा दोस्त आबिद है, आबिद का ये जहाँ बैठता है उस प्लेस पे अभी मैं बैठा हूँ, उसका चश्मा और देख सकते हैं वो भी अपना तैयारी करता है। और मैं कह रहा हूँ कि मैं आज मज़ा आ गया इस जगह पे आ करके, बहुत मज़ा आया। और थैंक आबिद भाई, अमित को भी धन्यवाद कि दोनों ने मुझको इन्वाइट किया। देखिए कर्मयोग पढ़ा स्वामी विवेकानंद जी का और यहाँ पर ये क्वेश्चन जो कुछ भी प्रैक्टिस कर रहा है एग्ज़ाम्स को ले करके। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बच्चे हैं जो बीएचयू के अधिकांश बच्चे हैं अधिकांशतः एग्ज़ाम्स को क्लियर करते हैं, तो कैसे करते हैं वो भी आप देख सकते हैं कि लगातार जो इनकी पढ़ाई के प्रति एकाग्र है, एकाग्र बना करके अपने बुद्धि को जिस प्रकार से पढ़ाई करते हैं उसका ही नतीजा है कि वो एग्ज़ाम को क्लियर कर जाते हैं। ये देखिए भाई मैथ सॉल्व कोई टीचर पढ़ा रहे हैं तो उनको देख रहे हैं, ये सिस्टर पढ़ रही है। तो इसी प्रकार से हर एक स्टूडेंट चेयर पे बैठ बैठ करके पूरा एकदम पढ़ाई पे लगे पड़े हैं। अब देखिए मैं आगे जा रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ कितना यहाँ पे पहली बात तो सीट है और ये पूरा तरह का तरीके से फुल्ली एसी है, मतलब पूरा फुल इसमें एसी लगा हुआ है। तो बच्चे इसका भी मज़ा ले रहे हैं भाई, पहली बात तो बीएचयू में आना मजाक नहीं। रिकॉर्डिंग बताऊं भाई तो क्या मज़ा था यार, पूरा एकदम फुल्ली, पहली बात तो एसी। आपको यहाँ पे आएंगे ना तो आपको ज़रूरत ही नहीं है यार मोटिवेटेड होने की, यहाँ पे आप घुसेंगे तो चार दिन मोटिवेट हो जाएंगे यार। मित्र हैं इनकी बातों को हम डिलीट मारेंगे क्योंकि इतना ये अपशब्द बोले हैं कि जो आप सुन नहीं सकते, और कई पापी मरे होंगे तो ये पैदा हुए होंगे। जो साइबर लाइब्रेरी है सच में बहुत ही गजब का लाइब्रेरी है और बहुत ही मज़ा आ गया। मतलब उस लाइब्रेरी के अंदर घुसा तो मतलब आपको मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए जो है कि बीएचयू के बच्चे हर एक अधिकांशतः यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। चुप रही, देखिए जानते हैं ज़्यादा बोलता है ना तो लतियारे का मन करता है उसको, लेकिन क्या करें भाई मित्र है, छोटा भी है, पैर भी छूता है मेरा, जैसे माफ़ कर देता हूँ।